हेलो गाइस, आज हम लोग निंजा हथौड़ी की बहुत ही मजेदार गेम खेलने वाले हैं। अरे वाह, ये देखो हम लोग निंजा हथौड़ी वर्ल्ड में आ चुके हैं। अरे वाह, डिंग डिंग, निंजा हथौड़ी बनकर तो मुझे काफी मजा आ रहा है। और ये देखो हम लोग कितनी ऊंची ऊंची जंप मार रहे हैं। डिंग डिंग, निंजा हथौड़ी बनकर तो हमें काफी मस्त लग रहा है। आज तो हम लोग इन किंची और शिंजो को नहीं छोड़ेंगे। तो चलो इसके ऊपर जंप करते हैं। और ये देखो ना, हम लोग इससे बच गए। डिंग डिंग दोस्तों, ये देखो हम लोग निंजा हथौड़ी की पावर को यूज करके किसी के ऊपर वार भी कर सकते हैं। ओह माय गॉड, इन गाड़ी वालों ने हमारा चिकना चूर बना दिया। डिंग डिंग दोस्तों, ये देखो हम लोग निंजा हथौड़ी वर्ल्ड में फिर से आ चुके हैं। क्यों ना वो हम लोग किसी को भी मैजिकल रिमोट से कंट्रोल कर ले। ये निंजा थोड़ी है ना के तुम्हारा डोरीमोन जो तुम्हें गैजेट देगा। अरे क्या हुआ, इसके पास गैजेट नहीं है लेकिन इसके पास काफी ज्यादा पावर है। और ये देखो, इससे हम लोग किसी को भी मार सकते हैं। अरे बच्चे, ये रोड है ना के योगा सेंटर जहाँ पर तुम जैकी चैन के कराटे लगा रहे हो। डिंग डिंग, ऐसी बात है तो फिर हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो चलो इसको मारकर ही छोड़ते हैं। और हाँ, इसे मारकर काफी मजा आने वाला है। तो चलो ये देखो हमने इसको मार डाला। अरे अंकल जी, कैसा लगा आपको? ओह माय गॉड, इसके पास तो काफी कड़ाकेदार पावर है। तो चलो हम लोग बाकी के लोगों को भी शूट करते हैं। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और अब हमें इस कार से भी बचना होगा और इसीलिए हमें ध्यान से आगे बढ़ना है। तो चलो अब इस अंकल जी को भी शूट करते हैं। ओह माय गॉड, मैंने तो इसके सीधा पिछवाड़े में वार किया और ये तो एक ही बारी में मर गया। गाइस, ये देखो, ये अंकल जी तो फिर से आ चुके हैं। अरे बच्चे, मैंने तुम लोगों को कितनी बार बताया तुम्हें अपने घर आराम नहीं लगता। अंकल जी, हमें आपसे बात करनी है। अरे जाओ जाओ, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों से बात करता फिरूं। ओ तेरी की दोस्तों, ये देखो यहाँ पर से तो केंची जा रहे हैं। अरे केंची रुको, हमें तुमसे बात करनी है। कहाँ पर जल्दी से भाग कर जा रहे हो? मुझे तो लगता है इस केंची को किसी ने झुमार कोटा खाने में मिलाकर दे दिया है। डिंग डिंग, किंची रुका जरा, हम लोग तुम्हें हजमोला कैंडी खिला देंगे, फिर तुम्हारे पेट का दर्द और बढ़ जाएगा। अरे बढ़ जाएगा नहीं बल्कि खत्म हो जाएगा। तुमने तो किंची को ड्राइव दिया, वो देखो कितनी तेजी से भाग कर जा रहा है। दोस्तों, क्या तुम्हें एक बात का पता है? अरे नहीं, हम एंजल थोड़ी है कि हमें हर बात का पता होगा। तुम बताओगे तो तभी पता चलेगा। हमारा यहाँ पर आने का मकसद था कि हमें किंची को मारना है और उससे काफी सारी रकम लेनी है। डिंग डिंग, तो फिर चलो हम लोग किंची को जल्दी से मारते हैं। दोस्तों देखकर कहीं किंची को ऊपर भेजने के चक्कर में हम उदी ना ऊपर चले जाए। अगर अपना मुंह थोड़ी देर और बंद कर लेते तो हम लोग बच जाते। डिंग डिंग गाइस, इस किंची को तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग थोड़ी अपनी पावर टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस ये देखो, हम लोग तो काफी ऊंची ऊंची जंप भी कर सकते हैं। मुझे तो काफी मजा आ रहा है। टकले देखकर तुम्हारे वजन से कहीं ये ब्रेक्स ही ना टूट जाए। लेकिन इस टकले से तो तुम्हारा गेंडे का वजन ज्यादा है जिससे हम लोग बार बार नीचे गिर जाते हैं। तो चलो इस बार हम लोग इन बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलो फिर 1, 2 और 3। और ये देखो हम लोग तो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ चुके हैं। और तेरे की क्या ही व्यू नजर आ रहा है। और ये देखो हम लोग तो तेजी से भाग भी सकते हैं। अरे डिंग डिंग, ऐसी पावर तो मैंने कभी भी नहीं यूज की। और लाइट डोरेमोन के पास ऐसी पावर है। अरे नोबिता, तुमने अच्छा नहीं किया, तो मुझे इतनी जल्दी भूल गए। दोस्तों वो देखो, सामने पुलिस डिपार्टमेंट भी है, कहीं वो हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम ही ना लगा दे। वैसे तुम तो शक्ल से ही चोर नजर आते हो। तो चलो हम लोग यहाँ से उड़ने की कोशिश करते हैं। 1, 2 और 3। अरे ये क्या, हम लोग तो नीचे गिर गए। दोस्तों ये सब तो इस मोटे गेंडे की वजह से हुआ है। अगर हम लोग इसे ना लेकर आते तो अब तक हम लोग उड़ भी चुके होते। अरे वाह डिंग डिंग, वो देखो सामने तो काफी मस्त गार्डन है। तो चलो हम लोग यहाँ पर जाते हैं। दोस्तों अगर हम लोग शिजुका को भी इस जगह पर लेकर आते तो हम लोग काफी मस्त पार्टी भी करते। दोस्तों हम लोग यहाँ पर गार्डन में आ चुके हैं और देखो सामने एक बैंक है, क्यों ना यहाँ से चोरी कर ली जाए। अरे हाँ डिंग डिंग, काफी मजा आएगा। तो चलो हम लोग इस बैंक से चोरी करते हैं। लेकिन एक मिनट, ये बैंक का डोर तो मुझे बंद लग रहा है। तो चलो हम लोग इसके पास जाते हैं। अरे ये तो असल में ही बंद है और ना ये खुल पा रहा है। तो लगता है ये प्लान भी हमारा चौपट हो चुका है। डिंग डिंग, वो देखो सामने एक सुंदर लड़की जा रही है। गाइस मुझे लगता है ये बैंक में जा रही है। तो चलो हम लोग इसे मार कर इसका एटीएम ले लेते हैं। अरे ये तुमने काफी अच्छा किया। और ये क्या, पीछे तो गाड़ी हमें मारने के लिए आ गई। दोस्तों मुझे तो लगता है गाड़ी वालों ने पी रखी है, जब भी हमें देखते हैं हमें मार डालते हैं। अरे ये क्या, ये लड़की कहाँ पर गायब हो गई? मुझे तो लगता है इसे गाड़ी वाले ले गए। तो गाइस ये देखो, हम लोग काफी मेहनत के बाद यहाँ पर पेट्रोल पंप पर आ चुके हैं। अरे शिनचान, मुझे लगता है तुम्हारी डिग्गी कम हो चुकी है, तो चलो यहाँ से थोड़ा बहुत पेट्रोल डलवा लो। अरे हाँ गाइस, मुझे भी लो एनर्जी फील हो रही है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत अपनी डिग्गी में पेट्रोल डलवा ले। अरे शिनचान, ये क्या कर रही हो तुम? वो मैं अपने पिछवाड़े से तेल भरवा रहा हूँ। लगता है आज तुमने अपनी डिग्गी को फुल करवा कर ही लेकर जाना है। अरे हाँ,
आज तो मैं अपनी डिग्गी का फुल करवाऊंगा। तो चलो ये देखो मेरी इतनी डिग्गी फुल करवा ली। डिंग डिंग दोस्तों, तुम लोग अब मेरे पीछे पीछे आओ। और ये देखो अब हम लोग यहाँ पर माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन एक मिनट, हम लोग इस माउंटेन के ऊपर कैसे चढ़ेंगे? हम लोग ना ही क्लाइंबिंग कर सकते हैं और ना ही हमारे पास बम्बू कॉप्टर है। क्या हुआ, हमारे पास बम्बू कॉप्टर नहीं है लेकिन हमारे पास निंजा हथौड़ी की पावर है जिससे हम लोग इस माउंटेन के ऊपर काफी इजीली चढ़ सकते हैं। ओह तेरी की गाइस, ये देखो हम लोग तो जंप कर 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 काफी ऊपर जा रहे हैं और मुझे लगता है हम लोग जल्दी इस माउंटेन को पार भी कर लेंगे। दोस्तों एक बार हम लोग काफी ऊपर तक चढ़ जाए फिर मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊंगा कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है हमने निंजा हथौड़ी की सारी पावर यूज कर लिया और अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। अरे लगता है, सुनियो तुम काफी पीछे हो, इसके पास एक पावर है जो कि अभी भी छुपी पड़ी है। और ये देखो यहाँ पर से व्यू कितना मस्त लग रहा है, सारा का सारा इलाका मेरी नजरों के नीचे है। अरे वाह, ये देखो यहाँ पर से तो काफी मस्त लग रहा है, क्यों ना उस सामने वाले माउंटेन के ऊपर चढ़ा जाए। लेकिन देखकर वो माउंटेन तो काफी ऊंचा है, हम लोग उसके ऊपर कैसे चढ़ेंगे? अरे तुम लोग इसकी फिक्र मत करो, हम लोग है ना, तो हम लोग जल्दी से ऊपर चढ़ते हैं। तो चलो गाइस आप लोग इसके ऊपर जाने ही वाले हैं। ओह माय गॉड, तुमने बताया नहीं कि हम लोग इस माउंटेन के ऊपर जाकर आहिर करेंगे क्या? दोस्तों अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग इस माउंटेन के ऊपर क्या करने वाले हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको निंजा हथौड़ी की पावर कैसी लग रही है। तो गाइस ये देखो अब हमें यहाँ पर से ऊपर चढ़ना काफी मुश्किल हो चुका है, क्यों ना हम लोग यहाँ से ही ट्राई कर ले। डिंग डिंग, नहीं पहुँचा, जब तक हम लोग ऊपर नहीं चढ़ जाते हम लोग इस पावर को यूज नहीं कर सकते। तो चलो तो ये देखो अब हम लोग काफी ऊपर तक आ चुके हैं। अब मुझे लगता है हमें इस पावर को यूज कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से देखने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि हम लोग इस पावर को यूज करने वाले हैं। अरे ये क्या, हम लोग तो उड़ भी सकते हैं, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया था? अरे जियान, अगर हम लोग तुम्हें पहले बता देते तो हम लोग इसे कैसे यूज करते। और हाँ गाइस, इसे तो हम लोग काफी ऊंचाई पर यूज कर सकते थे, इसीलिए हम लोग माउंटेन पर आए। दोस्तों ये क्या, हम लोग तो काफी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और हमें तो इसकी पावर यूज कर काफी मस्त लग रहा है। डिंडी, मैंने कहा था ना इसकी एक पावर है जो कि हम लोगों ने अभी भी यूज नहीं की और वो पावर थी इसकी फ्लाइंग पावर। दोस्तों हमें तो ऊंचाई पर उड़कर काफी मस्त लग रहा है, एक बार हमें यहाँ पर से किंची निकल जाए तो फिर हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। अरे देख कर ये क्या, हम लोग तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहे हैं। दोस्तों जितना हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया था उससे इतना ही बनता था क्योंकि हमारे पास पेट्रोल की काफी कमी है। और ये देखो अब हम लोग इस पर्दे को लेकर नीचे ही उतर रहे हैं। काफी मेहनत के बाद हमें किंची तो नहीं मिला लेकिन अब हमें उसे खुद ही ढूंढना होगा। ओके गाइस, नीचे तो पुलिस की गाड़ियां हैं, कहीं ये हमें मार वार ही ना दे। टिंग टिंग वो चैन, जब तक हम लोग इस निंजा हथौड़ी के रूप में हैं हमारा ये पुलिस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो चलो अब हम लोग नीचे उतर चुके हैं। ओके गाइस, अब हम लोगों को जल्दी से इस किंची के बच्चे को ढूंढना होगा ताकि हम लोग उसे ढूंढ कर मार सके और फिर हम लोग इस दुनिया से भी जा सके। एक बार ये हमें किंची का बच्चा मिल जाए इसने तो हमारा जीना उजारन बना दिया है। तो गाइस काफी मेहनत के बाद हमें किंची तो मिल चुका है और हाँ ये देखो ये रहा किंची। तुम लोग हटो, इसकी तो मैं बैंड बजाता हूँ। ओह माय गॉड, देखकर इस बार हमें कार वगैरह से भी बचना होगा। अरे तुम घबरा नहीं, इस बार हम लोगों ने कार का काफी लंबा जुगाड़ लगाया, ये कार वगैरह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लगता है इसका अभी भी जुमाल कोटा खत्म नहीं हुआ। और ये देखो ये कैसे भाग कर जा रहा है। दोस्तों अब हमें इस किंची का पीछा करना होगा, देखते हैं यही जा रहा कहाँ पर है। ओह माय गॉड, घुमा घुमा करते ये हमें पुलिस स्टेशन ले आए, कहीं हमारी शिकायत वगैरह तो नहीं लगाने वाला। अरे नहीं, इसके पास इतनी पावर नहीं है कि ये हमारी शिकायत लगा सके। और हाँ, अगर ये पुलिस स्टेशन के पास गया तो फिर इसकी हम लोग काफी अच्छी तरह से चित्रोल करेंगे। ओह माय गॉड, इसने तो अपना रास्ता फिर से बदल दिया। डिंग डिंग, आज तो मैंने प्रॉमिस किया है कि जब तक हम लोग इसे नहीं मार सकते तो हम लोग भी यहाँ से नहीं जाने वाले। बच्चे लगता है तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे, तुम तो कब से मेरा पीछा कर रहे हो। गाइस लगता है इस एंकर को काफी लंबा सदमा लगा है, हम लोग इनका पीछा नहीं कर रहे बल्कि हम लोग तो इस खड़ूस केंची का पीछा कर रहे हैं। दोस्तों बहुत हो चुका लुका छुपी का खेल, तो हम लोग इस केंची को अब नहीं छोड़ने वाले। 10 मिनट से मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि तुम इस केंची को नहीं छोड़ने वाले, केंची को नहीं छोड़ने वाले, आखिर तुम क्या करने वाले हो? बस मुझे तो लगता है इनका साबन स्लो है से ये इसको नहीं पकड़ पा रहे। साबन स्लो की बात नहीं है बल्कि इनकी हड्डियाँ कमजोर हो चुकी है। दोस्तों वो तो हम लोग देख रहे थे कि आखिर ये किंची जहाँ कहाँ पर रहा है। तो फिर अब क्या सोचा तुमने? अब क्या सोचना है, जो जो भी आगे आ रहे उसे मारते जाओ और शूट करते जाओ। किंची जहाँ तक भाग सकती हो भाग लो, लेकिन आखिर बिल्ली की माँ कब तक खैर बनाएगी। तो गाइस किंची बहुत हो चुका, अब तुम्हें हम लोग शूट करने वाले हैं।
अब हमें निंजा हथौड़ी में फ्लैश की पावर को यूज करके इसके पास जाना होगा। तो चलो अब हमें जल्दी से इसे शूट करना है, और ये देखो मैंने इसे मार डाला। तो चलो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही था, हम लोगों ने किंची को मारकर काफी भारी रकम ले ली। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में यस लिख देना, और अगर इसका पार्ट 2 चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।